मंगलौर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पॉलीथीन के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इससे पर्यावरण पूरी तरह दूषित हो रहा है। दरअसल सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे लेकर प्रशासन लगातार जनता से आदेश को पालन करने की अपील कर रहा है। वहीं अधिकारी विजय प्रताप चौहान ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। हमारे गाइडलाइंस आई हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ही समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे।